हाथ बखाणा होए कि बखाणू दिलवाणिया, कलम बखाणू होए कि तारी जीभ बखाणू झवेरचंद, दुला भाया काक का यह दुहा झवेरचंद मेघानी के विशेष व्यक्तित्व का वर्णन करता है। मेघानी एक ऐसे सर्जक है जिनके हाथ, मन, कलम और जीभ हमेशा एक दूसरे के साथ सुमेल बनाए रहते थे, जिनके विरस पर लिखे हुए काव्य समाज में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाते हैं। और वैसे राष्ट्रीय शायर, कवि, नवल कथाकार, वार्ताकार, लोक साहित्य के संशोधक, संपादक, विवेचक और अनुवादक ऐसे झवेरचंद मेघानी की आज 75वीं पुण्यतिथि है। झवेरचंद मेघानी का जन्म 28 अगस्त 1896 में गुजरात के चोटीला गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम धुलीबाई और पिता का नाम कालिदास था। बचपन से ही झवेरचंद मेघानी ने गुजराती साहित्य का बहुत चिंतन किया था और कोलकाता में रहने के दौरान बंगाली साहित्य का भी उन्होंने अभ्यास किया था। अपने साहित्यिक लेखन को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कुर्बानीनी कथाओं की रचना की और ये पुस्तक उनका प्रथम प्रकाशित पुस्तक था। उसके बाद उन्होंने सौराष्ट्रनी रसधार का संकलन किया था और बंगाली साहित्य में से अनुवाद की शुरुआत भी की थी। 1931 की गोरमेजी परिषद में लंदन जा रहे गांधी जी को संबोधित करते हुए उन्होंने छेल्लो कटोरो नामक एक काव्य लिखा। वह पढ़कर गांधी जी ने कहा कि मेरी स्थिति का इस काव्य में जो वर्णन किया गया है वह बिल्कुल सही है। इसके बाद उनको राष्ट्रीय शायर का बिरुद प्राप्त हुआ। 1947 में उन्होंने भजन साहित्य के संशोधन का पुस्तक सोरठी संतवाणी पूर्ण किया। 9 मार्च को हृदयाघात की वजह से उन्होंने कालचक्र नवल कथा को अधूरा छोड़कर अपने निवास स्थल बोटाद में ही अंतिम सांसें ली।